कोचिंग सेंटर। हाय बच्चों, सबको ठीक ठाक? सबको ठीक है ना? तो चलिए आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कर दे, ताकि सारे बच्चे घर बैठे ही पढ़ सकें। तो चलिए, सारे को लिंक शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग जो भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो कुछ ही डोमेन और कोडोमेन के लिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रियल टू रियल के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए डोमेन और कोडोमेन में हम लोग कुछ चेंज किए थे। उसके रिस्पेक्ट में जितने भी 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट किया था। सारे के ग्राफ के बारे में चर्चा किए, कुछ फॉर्मूले चर्चा किए हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक टेबल बनाया गया था, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी, उस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू का नाम दिया गया था, है ना? तो एक टेबल जो बनाया गया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, उसमें डोमेन और रेंज जो दिया गया है उसको आपको याद रखना है ना? तो अब बात करते हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो हमें जो डाटा दी रहेगी। तो साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये याद रखना होगा। और उसके रिस्पेक्ट में सारा चीज हमें डिटेल से हमें उसे समझना होगा और उसके बारे में लिखना होगा और कॉपी में नोट डाउन करना होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 5, है ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 5। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरह साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां होता था, उसकी वैल्यू हम लोग हर एक क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात किया। जितने भी क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ज्ञात किया। इट मींस हमने किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज ज्ञात किया है। आज उसी टाइप में हम लोग बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चन को और उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ आगे फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई मतलब इन्वर्स, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ मतलब फंक्शन, है ना? शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, है ना? आई मतलब इनवर्स, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, एफ मतलब फंक्शन। अब इसमें कुछ बात करेंगे हम लोग फॉर्मूला से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज जो लिखा जा रहा है वो समझिए एक तरह से फॉर्मूला है। अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन ये तभी होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है? अब देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो आप ऐसा समझ रहे होंगे कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल किया, ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स थीटा एक अलग फंक्शन है, उसको आप 1/sin θ नहीं समझ सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स एक अलग फंक्शन है, तो साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों को बराबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए बात करते हैं यहां पर, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखिए गौर से, अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स
साइन थीटा, इसको प्रूफ करते हैं, है ना। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, आप जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू से बिलोंग करती है। साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसका रेंज हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेगा, ये हमने आपको पहले ही बताया है। अब देखिए मैं मान लेता हूं फोर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू दिस, मैंने एक थीटा लिया जो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है ना। लेट साइन थीटा बराबर एक्स मैंने मान लिया, साइन थीटा बराबर एक्स मैंने मान लिया। अब देखिए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं। अब बात करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और एक्स आपने क्या माना है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, प्रूफ हो गया। आप देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो रहा है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, है ना। इसमें आप ये सोचिए कि ये दोनों अगर बाहर इनवर्स है तो अंदर विदाउट इनवर्स वाला होना होगा, मतलब बाहर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाना होगा, और वो दोनों प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होगा साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, आप ये नहीं समझिए कैंसिल करेगी, एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों जब रहेगा तो थीटा जो ये दोनों क्या होगा, एक तरह से कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इनवर्स है ये विदाउट इनवर्स है, इक्वल टू थीटा होगा। देखिए मैंने इसको प्रूफ किया है, मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स इसको मैंने एक्स मान लिया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इस पूरे डाटा को मैंने एक्स मान लिया तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए, आप जानते हैं कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बड़ी ब्रैकेट में होनी चाहिए। अब देखिए इसको मैंने जब एक्स माना तो साइन इनवर्स एक्स बन गया और इसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है इतना। अब देखिए मैंने थीटा मान लिया फॉर एनी थीटा, यहां पर थीटा दिया हुआ ना, फॉर एनी थीटा, अगर मान लेते हैं कोई भी थीटा जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है यहां से यहां के बीच में, तो एक और चीज मैंने मान लिया कि लेट साइन थीटा बराबर एक्स, अब ये साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, इधर क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। अब एक्स आपने माना क्या है, साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा पुट अप किया, अब दोनों की वैल्यू क्या देगी, थीटा देगी, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन थीटा, यहां एक्स की वैल्यू मैंने ये रख दिया और दोनों की वैल्यू क्या दे रही है, थीटा दे रही है, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, लेकिन किस कंडीशन में, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लिए होंगे बच्चों, नहीं नोट डाउन किया तो पॉज करके नोट डाउन कर ले। अब देखिए यहां पर ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो है तभी इस्तेमाल होगी, यह प्रॉपर्टी तभी इस्तेमाल होगी जब थीटा की वैल्यू माइनस 90 टू 90 के बीच में होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू अगर इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगी तो आप इस फॉर्मूले को नहीं इस्तेमाल कर सकते। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी पॉसिबल है जब थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, मतलब थीटा की वैल्यू इसी क्लोज इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, तभी दिस बराबर दिस पॉसिबल है, ठीक है, ये याद करिए। ये जो साइड में लिखा रहता है ये कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन रहेगा तभी आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि यहां साइन इनवर्स तो अंदर में साइन होना चाहिए, उसी तरह बाहर में कॉस इनवर्स तो अंदर में कॉस होना चाहिए, बाहर में टैन इनवर्स तो अंदर में टैन होना चाहिए, बाहर में सेक इनवर्स तो अंदर में सेक होना चाहिए, ठीक ना, इसी तरह सिमिलर करते जाएंगे, फिर विपरीत करेंगे,
अगर बाहर में टेन है तो अंदर में टेन इनवर्स होना चाहिए, अगर बाहर में साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स होना चाहिए, ठीक ना। बाहर में अगर कॉस है तो अंदर में कॉस इनवर्स होना चाहिए, ताकि दोनों का जो हमें वैल्यू मिले वो क्या मिलेगा, ये जो डॉट देख रहे हैं थीटा, थीटा मिल जाएगा। इस तरह यहां पर देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, ठीक है। लेकिन वहां पर थीटा की वैल्यू ये नहीं रहेगी, वहां पर थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस वन टू वन, क्योंकि यहां पर थीटा क्या बनेगा, ये थीटा किसके साथ है, साइन के साथ, इसका मतलब थीटा एंगल है, इसलिए थीटा को एंगल होना होगा। लेकिन उस सिचुएशन में जब मैं बात करूंगा साइन साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू थीटा, यहां पर देखिए गौर से, यहां पर साइन बाहर है साइन इनवर्स अंदर है, और यहां थीटा किसके साथ है, साइन इनवर्स के साथ है, इट मींस साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, माइनस वन टू वन, इसका मतलब थीटा को बिलोंग होना होगा माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। क्योंकि ये थीटा किसके साथ है, इनवर्स फंक्शन के साथ है, और इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में, मतलब थीटा को कहां से बिलोंग होना होगा, माइनस वन से वन के बीच में बिलोंग होना होगा। लेकिन यहां थीटा किसके बीच में है, किसके साथ लगा हुआ है, साइन के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये थीटा किसका डोमेन बनेगा, साइन का बनेगा। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, ये साइन थीटा, हम लोग कंपोजिशन फंक्शन पढ़े हैं बस उसी से रिलेटेड कीजिए, साइन इनवर्स का डोमेन कौन बनेगा, साइन थीटा बनेगा, साइन इनवर्स का डोमेन कौन बनेगा, साइन थीटा, लेकिन साइन का डोमेन कौन बनेगा, थीटा, तो थीटा किसका डोमेन है, साइन का, और साइन का जो हमारा रेंज होता है और डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, उसके रिस्पेक्ट में थीटा क्या है, एंगल बनेगा साइन के साथ, इसलिए एंगल इतना होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, जिस तरह हमने देखा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होगा जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए वहां पर मैंने देखा कि यहां पर जो थीटा हमारा जो किसके साथ लगा हुआ है, साइन के साथ, थीटा जो लगा हुआ था वो साइन के साथ, मतलब साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एंगल होगा, इसीलिए थीटा बिलोंग कर रहा है एंगल की तरह, है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग एक्चुअली अगर समझना चाहें तो यहां पर हम लोग इनवर्स फंक्शन का रेंज ज्ञात कर रहे हैं, यहां पर इनवर्स फंक्शन का क्या ज्ञात कर रहे हैं, रेंज ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखिए गौर से, कॉस इनवर्स इसको आप एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो टू पाई के बीच में, है ना। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में होनी चाहिए क्लोज ब्रैकेट में। अब देखिए कॉस इनवर्स इस पूरे को x मान लेते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 टू पाई, इसीलिए मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, थीटा आ रही है, और थीटा को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो 0 टू पाई की होती है, हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, एक टेबल बताया है कि इसकी रेंज यहां से यहां तक होगी, है ना। उसी तरह कल मैंने प्रीवियस से आपके पार्ट फोर में भी बताया है कि कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये सारा जिक्र हम लोग कर चुके हैं। तो उसी तरह हम लोग समझिए इस बात को कि कॉस इनवर्स इस पूरे को एक्स मान लिया जाए, इस पूरे टर्म को एक्स मान लूं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इस पूरे टर्म को अगर मैं x मान लेता हूं तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, ये पूरे टर्म को x मान लूं तो x, और cos इनवर्स x की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं क्या मान रहा हूं, बराबर थीटा मान रहा हूं, अगर इसको x मान लूंगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, अब थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 टू पाई के बीच में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थीटा कहां से होगा, 0 टू पाई के बीच में, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला हम लोग समझ सकते हैं कि कॉस इस पूरे टर्म को अगर एक्स मान लूं तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू
जीरो टू पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू को मैं क्या मान रहा हूँ, बराबर थीटा मान रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, थीटा मैं माना, तो थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, जीरो टू पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर देखिए गौर से, अगर बाहर में इनवर्स है तो अंदर में विदाउट इनवर्स वाला होना चाहिए, अगर बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस उसी तरह यहां पर देखिए, टैन इनवर्स बाहर में कौन है, इनवर्स, तो अंदर में विदाउट इनवर्स, है ना, बाहर में कौन है, इनवर्स, इट मींस अंदर में क्या होना चाहिए, विदाउट इनवर्स, बाहर में इनवर्स तो अंदर में विदाउट इनवर्स, इसके वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, इसके उल्टा भी, अगर बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन कर ले इसको, ये आपका प्रॉपर्टी बहुत बेहतर प्रॉपर्टी है, आपको समझना है और ये शर्त याद रखना है, ये तभी पॉसिबल है, ये प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉस के लिए जीरो टू पाई के बीच में, टैन के लिए जीरो माइनस 90 to 90 ओपन ब्रैकेट में, कोसेक इनवर्स के लिए थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जीरो को कंसिडर नहीं करना है, सेक इनवर्स के लिए थीटा की वैल्यू जीरो से पाई जिसमें 90 को नहीं लेना है, कॉट इनवर्स में थीटा की वैल्यू जीरो टू पाई ओपन ब्रैकेट में, मतलब जीरो को भी नहीं लेना और पाई को भी नहीं लेना, उसके बीच वाले को लेना है। तो ये प्रॉपर्टी तभी इस्तेमाल हो सकती है जब थीटा की वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, ओके, नोट डाउन कर ले पॉज करके। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से। हमने आपको बताया कि जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि एक्चुअली हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात करना चाह रहे हैं। ये टोटल जो 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाया भी, वो सारा डिस्कशन किसके बारे में बता रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बता रहा है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, जब मैं साइन थीटा को एक्स मान लूंगा तो साइन इनवर्स एक्स बनेगा, और साइन इनवर्स एक्स बराबर जो वैल्यू मैंने थीटा माना है वो थीटा को माइनस 90 से 90 के बीच में रहना होगा क्लोज ब्रैकेट में, है ना। उसी तरह कॉस इनवर्स, और अगर कॉस थीटा को मैं एक्स मान लूं तो कॉस इनवर्स एक्स बनेगा और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स में प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो जीरो टू पाई क्लोज ब्रैकेट में होती है, ठीक है। अब सोचिए कि कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या एक्चुअली रेंज है, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो टू पाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो हम लोग ये 6 प्रॉपर्टीज में सिर्फ डिस्कशन किए कि जो हमारा अगर इस टाइप का जहां पर भी हमें इवेलुएट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी तभी इस्तेमाल करेंगे जब थीटा की वैल्यू अपने अपने प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में एग्जिस्ट करेगी, तब, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी लिखेंगे जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी। और आपको मैंने ये भी बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, आपको ये नहीं समझना है कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये गलत है, ये प्रॉपर्टी है, आप इसको ये एकदम नहीं समझिए कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नहीं, आप कभी भी ऐसा मत लिखिएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आप लिख रहे हैं, तो किसी को अगर ऐसा मत समझाइएगा अपने भाई लोग को कि ऐसे ऐसे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, न, ये एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये एक प्रॉपर्टी है ना, एक फॉर्मूला है, आप ये मत समझिए कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। लेकिन हम लोग याद रखने के लिए थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं कि ये दोनों को कैंसिल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक ना, ओके। आप ऐसा कभी मत समझिए, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि साइन इनवर्स का मतलब ये नहीं समझना है कि वन बाई साइन और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये हमेशा गलत होगा, ठीक है ना, 100% गलत है ये, ठीक है, ये 100% गलत है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा एक प्रॉपर्टी है, ये हमारा फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ऐसा अगर होगा तो ये होगा थीटा, लेकिन थीटा तभी होगा जब थीटा की वैल्यू माइनस 90 to 90 के बीच में होगी,
माइनस 90 से 90 के बीच में होगी साइन के केस में, ठीक ना। सबका अलग अलग है, आपको याद करना होगा जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाया है उसको आपको केयरफुली याद करना होगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं उसके साथ आपको कंडीशन भी याद करना होगा। इस प्रॉपर्टीज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले के साथ साथ आपको कंडीशन भी याद रखना होगा कि किस कंडीशन में कौन सी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग एकदम केयरफुली फॉर्मूले को रिमेंबर कीजिए, प्रॉपर्टीज को रिमेंबर कीजिए, लेकिन विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ ही आपको रिमेंबर। ऐसा नहीं हमने याद कर लिया कि साइन इनवर्स, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन आपको देखना होगा क्या यह थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज अगर नहीं कर रहा है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको फॉर्मूला जो याद करना होगा, जो भी प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल करेंगे उसमें कंडीशन अपने माइंड में रखेंगे कि ये सिचुएशन में ये हम लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए उस टाइप के उस प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, क्या बोला जा रहा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोविंग, हम वन बाई वन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को आगे डिस्कस कर लेते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोविंग साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब गौर से देखो, मुझे जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब गौर से देखिएगा तो साइन इनवर्स इस पूरे डाटा को मैं अगर एक्स मान लूं तो आपको नहीं लगेगा कि ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इस पूरे डाटा को मैं एक्स मान लेता हूं तो ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस 90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जो भी वैल्यू आने वाला है वो माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब गौर से देखिए, हम लोग आप इसको समझ चुके हैं कि अगर इसको मैं x मानूंगा तो ये साइन इनवर्स x बनेगा, और साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में होती है। अब गौर कीजिए, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू माइनस 90 टू 90 के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या थीटा की वैल्यू 90 और माइनस 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है? तो कर रही है, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं हेयर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई थ्री है, और पाई बाई थ्री बिलोंग करती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, है ना। यहाँ पर थीटा की वैल्यू इस दोनों के बीच में बिलोंग करती है। इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री बाई दिस प्रॉपर्टी, है ना। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने कर लिया साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप समझिए कि एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, एंगल होता है, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज क्या होता है, एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि हम लोग आज के प्रॉपर्टीज में सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही हम लोग आज पढ़े हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा लिख रहे हैं, इट मींस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने थीटा माना है, और थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ये आप जानते हैं, ठीक है। आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा बराबर थीटा मैंने माना, तो अगर मैं इसको पूरे को एक्स मान लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने थीटा माना, और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में होती है क्लोज ब्रैकेट में। इसका मतलब थीटा को क्या होना पड़ेगा,
माइनस 90 से 90 के बीच में होना पड़ेगा, है ना। तो आप समझिए कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी प्रिंसिपल वैल्यू के रिस्पेक्ट में बनाई गई है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना होगा कि बाहर में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लाना होगा किसी तरह भी। अगर बाहर में साइन है और अगर अंदर में टैन है तो आपको उसको बदल कर साइन में लाना होगा, ठीक है। अगर बाहर में कॉट है और अंदर में साइन है तो आपको उसको कॉट में लाना होगा, क्लियर है। दोनों को सेम साइन के फंक्शन में लाना होगा, दोनों को सेम फंक्शन में लाना होगा। ये अगर इनवर्स साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको किसी तरह भी फॉर्मूला का प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर उसको कन्वर्ट करना होगा उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अगर जिस तरह कॉस इनवर्स बाहर में है, अगर अंदर में कॉस नहीं है तो उसको आपको रिड्यूस करना होगा किसी दूसरे फॉर्मेट में फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ताकि आपका कॉस इनवर्स से अंदर में भी क्या आ जाए, कॉस आ जाए। आप समझ रहे हैं बात को, कि बाहर में जो है वही अंदर में होना चाहिए फंक्शन। अगर बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन, बाहर में कॉस है तो अंदर में भी कॉस, ठीक है, सारा सेम, ताकि आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा, अगर दोनों सेम होगा तभी तो थीटा होगा, तभी तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। उसी तरह कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसी तरह अगर टैन इनवर्स है तो अंदर में क्या होनी चाहिए, टैन ही होनी चाहिए ताकि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर बाहर में टैन है तो अंदर में आपको टैन इनवर्स लाना ही होगा, ठीक है। अगर बाहर में कॉट है तो आपको कॉट इनवर्स अंदर में लाना ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब सेम फंक्शन, मतलब बाहर में जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही अंदर वाला का अंदर वाला फंक्शन होना चाहिए। अगर बाहर में इनवर्स है तो अंदर में विदाउट इनवर्स में, अगर बाहर में ट्रिग्नोमेट्री है तो अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। लेकिन सेम फंक्शन, कॉट है तो कॉट, ऐसा नहीं है यार कॉट है तो टैन होना चाहिए, नहीं, उसको बदलिए आप। अगर कॉट है अंदर में टैन है तो टैन को बदलो, वन बाई कॉट कर दो, है ना, आप समझ रहे हैं बात को। तो चलिए उसी बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर गिवन डाटा जो दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब जानते हैं अगर मैं कॉस इनवर्स ये पूरे को x मान लूं तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू आप जानते हैं 0 टू पाई के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो 0 टू पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब देखिए गौर से, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तभी होगा जब फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3, यहां पर देख रहे हैं हियर थीटा की जो वैल्यू है वो 2π/3 है, और 2π/3 कितना हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तब इसका मतलब है कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं cos इनवर्स cos 2π/3 इक्वल टू 2π/3 यूजिंग, आपने कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा का इस्तेमाल किया, ठीक है, नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी तरह उसी बेसिस पर हम लोग एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमने पिछले क्लास में बताया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे गया था, हम लोग लेट वाई बराबर मानते थे, है ना, तो उसमें साइन इनवर्स 1/2 इस तरह करके दिया जाता था, है ना, साइन इनवर्स 1/2, और हम लोग फाइंड आउट करते थे। अब कुछ नए इसमें भी हम लोग जो ज्ञात करते थे उसमें हम लोग एंगल ही ज्ञात करते थे, y बराबर π/6, y बराबर 2π/3, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में किए हैं एक्चुअली y की वैल्यू जो निकालते थे, तो y किसको मानते थे हम लोग प्रीवियस क्लास में,
वाई हम लोग मानते थे गिवेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, गिवेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को वाई मानते थे। इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू है, जो रेंज है, उसको आपने माना वाई, है ना। उसी तरह यहां पर देखिए टैन इनवर्स समथिंग, टैन इनवर्स समथिंग इसको मान लेते हैं टैन इनवर्स समथिंग। अब टैन इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, वाई होगी, और वाई का मतलब रेंज। तो इट मींस आप अभी भी प्रिंसिपल वैल्यू, इट मींस रेंज ही ज्ञात कर रहे हैं और कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन उसमें यहां पर वैल्यू दिया रहता था, मतलब टैन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपको दिया रहता था टैन इनवर्स 1, और हम लोग इसको क्या करते थे, टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 लिखते थे। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, टैन पाई बाय 4। मतलब एक्चुअली जो हम लोग पहले किए हैं उसी क्वेश्चन को एक नए फॉर्मेट में तैयार कर दिया गया है ना। पहले हम लोग फाइंड आउट करते थे टैन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू, टैन इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन इसी को अगर मैं बदल दूं तो टैन इनवर्स रूट 3 टैन फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को टैन पाई बाई 3 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूट 3 टैन में कहां होता है, 60 डिग्री पर, है ना। तो आप देखिए टैन इनवर्स, टैन इनवर्स रूट 3 को मैं टैन के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। यह भी मैंने आपको बोला कि अगर बाहर में टैन है तो अंदर में भी टैन के बारे में ही सोचिए, अगर बाहर में साइन है तो अंदर में साइन के बारे में ही सोचिए, अगर बाहर में कॉस है तो अंदर में कॉस के बारे में ही सोचिए, अगर बाहर में कोसेक है तो अंदर में भी कोसेक के बारे में ही सोचिए, किसी अदर फंक्शन के बारे में नहीं सोचिए। जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में या तो इनवर्स या तो ट्रिग्नोमेट्री, अगर बाहर में इनवर्स है तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री, अगर बाहर में इनवर्स अंदर में ट्रिग्नोमेट्री, अगर बाहर में ट्रिग्नोमेट्री तो अंदर में इनवर्स के बारे में, लेकिन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं आपको सोचना है। तो आप देखिए टैन इनवर्स रूट 3 को मैंने एक नए फॉर्मेट में तैयार कर दिया। तो आज जो पढ़ने वाले हैं इसकी वैल्यू, मतलब एक्चुअली जो हमने पढ़ा है वो जो आज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे थे वो इसको लेकर कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, आज इसको लेकर करना है ना। उसी तरह देखिए टैन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग याद किए थे प्रीवियस क्लास में, तो आज देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को टैन के रिस्पेक्ट में, तो 1 कहां होता है 45 डिग्री, मैं लिख सकता हूं टैन 45, है ना। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं, मतलब जो हम लोग पहले कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो गया, उसका रूप चेंज हो गया है ना, उसका स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन हम लोग एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू ही ज्ञात कर रहे हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गौर से, टैन इनवर्स इस पूरे को एक्स मान लिया जाए तो क्या बनेगा, टैन इनवर्स एक्स, और टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस 90 to 90 के बीच में, ओपन ब्रैकेट है ना, माइनस 90 से 90 के बीच में ओपन ब्रैकेट में टैन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब इसका वैल्यू, इसका जो रेंज है इसमें एग्जिस्ट करेगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए है ना। तो उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, गिवेन टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी अभी देखा है कुछ प्रॉपर्टीज लिखा है कि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा तब होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट में, है ना, साइन इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट में, टैन इनवर्स में ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4, पाई बाई 4 दैट मीन्स 45 डिग्री, 45 डिग्री इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, करता है, इसका मतलब हम यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ये वाला, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा, यहां पर आपने क्या इस्तेमाल किया, ये वाला प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, है ना, बात समझ में आ रहा है, हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, निकाल लिए। और आज भी देखिए, आज देखिए कि ये जो वैल्यू आया है क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो रेंज होती है वो एंगल होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो एंगल होती है, तो एंगल निकला है। एक्चुअली मतलब
कहा जा रहा है कि आज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का रेंज ही निकाल रहे हैं, कुछ अदर चीज नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। नोट डाउन कर ले। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर इसको एक्स मान लो तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी -90 to 90 के बीच में, आप इसको रिमेम्बर कर ले, है ना। अब देखिए यहां पर गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिए कि इसकी जो वैल्यू है यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जो है अगर कंपेयर किया जाए, यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू जो है वो -90 और 90 के बीच में नहीं है। इसका मतलब इट मींस आप समझिए कि यहां पर जो वैल्यू है वो -90 और 90 के बीच में नहीं है। इसका मतलब आपको कुछ नया चीज करना होगा, यहाँ पर कुछ बदलाव करना होगा ताकि आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सके, ताकि आप साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा का इस्तेमाल कर सके। तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, अब इसको मैं बदल देता हूं, साइन पाई माइनस पाई बाई 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री, दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए साइन क्या पॉजिटिव है, साइन आल्सो भी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वन एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो साइन यहाँ पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब गौर से देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2π/3 आ जाएगा, है ना, 2π/3 आ जाएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है, अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू और वो वैल्यू आपके रेंज में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा की वैल्यू -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है फॉर साइन इनवर्स, है ना, साइन थीटा के लिए, तो उस केस में आप पाई माइनस करो। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल रहता, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस करो, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पाई माइनस थीटा दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पाई माइनस थीटा, अगर जिन्हें नहीं मालूम होगा वो जान लीजिए, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, दैट मींस साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब गौर से देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, और 60 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर ले। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, अब कंपेयर कीजिए इससे कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 0 से π के बीच में एग्जिस्ट करेगी तब, है ना। अब देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है 7π/6, दैट मीन्स 210 डिग्री, 210, यहाँ तो 180 तक है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया। अब ये थीटा की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं, थीटा की वैल्यू 210 डिग्री है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें तो मालूम है कि थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में लाना ही पड़ेगा ताकि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें, तो इसको लाने की कोशिश करेंगे। अगर है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है उस रेंज में तो हम लोग उसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको ये भी बता दिया कि अगर कॉस है बाहर तो अंदर में भी कॉस होनी चाहिए, अगर इनवर्स बाहर में है तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, तो कॉस या ये कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए
अब इसमें हम क्या करेंगे, 2π - 5π/6। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप यह भी बोल सकते हैं कि आप यह भी कर सकते थे 6π + π 7π, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो 6π + π 7π/6 आएगा। लेकिन अगर मैं cos π + π/6 कर दूं तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन मेरे पास तो निगेटिव है नहीं, डाटा पॉजिटिव है। अगर आप करते भी हैं तो -cos π/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप निगेटिव को अंदर ले नहीं जा सकते cos में, तो फिर करना क्या पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसमें पाई प्लस ना कर कर 2π- कर रहे हैं, क्योंकि cos 2π - θ cos θ होता है, ठीक है। cos 2π - θ cos θ होता है, और cos 2π + θ भी cos θ होता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि cos 2π - θ = cos θ होता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल मैंने किया तो cos inverse cos 2π - θ बराबर cos θ, दैट मीन्स 5π/6। अब देखिए cos inverse cos θ इसके कंपेयर में cos inverse cos θ, अब θ की वैल्यू क्या है, 150 डिग्री, है ना, 150 डिग्री, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, 150 डिग्री। 150 डिग्री 0 और 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये कितना होगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर 210 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 180 तक ही होनी चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 5π/6 बाय दिस प्रॉपर्टी, है ना, बाय दिस प्रॉपर्टी, नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसके प्रोसेस को, ठीक है। अब देखिए, गिवन डाटा जो दिया हुआ है, tan inverse tan 3π/4। अब 3π/4 कितना होगा, अब गौर से देखिए, तो π/4 45 डिग्री, 45 डिग्री में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री -90 और 90 के बीच में नहीं आता है। इट मींस आपका जो थीटा का वैल्यू है वो रेंज से बाहर है, तो आपको रेंज में लाना होगा। अगर थीटा की वैल्यू रेंज से बाहर होगी तो आपको थीटा की वैल्यू उस रेंज में लाना होगा बाय द यूजिंग द फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्लास 11-10, है ना। अब देखिए, हम लोग कंपेयर करेंगे tan inverse tan θ बराबर थीटा तब होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी ओपन इंटरवल में, है ना, ओपन इंटरवल, दैट मींस π/2 को भी नहीं लेना है, -π/2 को भी नहीं लेना है। अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं tan π - π/4, ठीक है। इसका मतलब tan inverse tan π - θ क्या होता है, tan π - θ - tan θ होता है। यहां पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन cos वाले में अंदर नहीं ले जा सकते थे, आप जानते होंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स ये माइनस अंदर जाएगा, तो tan -π/4, ठीक है। अब देखिए, tan inverse tan θ की वैल्यू क्या है, -45 डिग्री, क्या -90 से 90 के बीच में -45 डिग्री आएगी, तो आएगी। इसका मतलब यहां पर हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इट मींस tan inverse tan θ बराबर θ -π/4, है ना। आंसर कितनी होगी, आंसर हमारा हो जाएगा -π/4, ठीक है। क्यों,
क्योंकि टाइन इनवर्स टाइन थीटा और थीटा की वैल्यू -45 डिग्री है और -45 डिग्री -90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब हम यह प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसा हम लोग को समझना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला को रिमेम्बर रखने के लिए समझ लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। ये अलग फंक्शन है तो ये एक अलग फंक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ फॉर्मूला को जानते हैं और समझते हैं, है ना। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। आप जानते हो कि साइन इनवर्स का उल्टा कौन होता है? कोसेक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है? सेक थीटा, है ना। टैन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, है ना। साइन इनवर्स 1/x क्या होगा? जब 1/x को उल्टेंगे तो कहाँ चल जाएगा? कोसेक इनवर्स में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला के साथ साथ आपको कंडीशन भी याद करना होगा, ताकि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ये हमेशा नहीं लग सकता, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी, या तो x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी। ठीक है, उसी तरह cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, है ना। ये तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 के बराबर या -1 के बराबर या -1 से छोटी। ठीक है, इट मींस -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आने वाली है उसको हम अगर लेते हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1/x को जब हम 1/x को पलटेंगे तो cot इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसी तरह sin इनवर्स -x इक्वल टू माइनस बाहर निकलेगा -sin इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिए कि यहाँ पर x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1 के बीच में होता है। ठीक ना, उसी तरह टैन इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन में भी माइनस बाहर आ जाएगा, टैन में भी माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर टैन इनवर्स x का जो डोमेन हम लोग फंक्शन डिफाइन किए थे उसके लिए डोमेन क्या था? रियल नंबर। तो यहाँ x किसके साथ है? tan इनवर्स के साथ है। x किसके साथ है? tan इनवर्स। और x क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर होगी। ठीक है, यहाँ पर x किसके साथ है? sin इनवर्स के साथ, और sin इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1, मतलब x बिलोंग करेगा -1 to 1 के बीच में। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टीज को, इस फॉर्मूले को, इस प्रॉपर्टीज को याद कर ले, लिख ले, पॉज करके लिख लीजिए। एक फॉर्मूला बात करते हैं, तो हमने देखा कुछ फॉर्मूले को, अब आगे चलते हैं। कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू -cosec इनवर्स x, लेकिन x की वैल्यू मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x जो होगा वो उसकी जो मॉड होगी उसकी वैल्यू या तो 1 या तो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स -x इक्वल टू, आप sin इनवर्स x में माइनस को बाहर निकाल दे रहे हैं, cos इनवर्स x में आप माइनस को सिर्फ बाहर नहीं निकाल सकते, कॉस इनवर्स -x में आप सिर्फ माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत? सेक इनवर्स -x में क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक ना, तो देखिए यहां पर कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू -cosec इनवर्स x, जहां पर x की जो मॉड x वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रॉपर्टीज, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उसमें शर्त को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शर्त याद नहीं रहेगा तो आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे, वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ कंडीशन भी याद करना होगा, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, टैन में माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस में माइनस के साथ साथ पाई भी आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस वन टू वन। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो माइनस वन टू वन होती है। सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और सारे फॉर्मूला को रिमेम्बर करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन विथ कंडीशन के साथ। विदाउट कंडीशन अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए कोई भी लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी याद कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फॉर्मूला, तो आप कंडीशन के साथ रिमेम्बर कीजिए। ओके, नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सीखेंगे, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स आप उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक छोटे से फॉर्मेट में लाने वाले हैं, मतलब एक नंबर, एक वेरिएबल में लाने वाले हैं, है ना। सारे को सॉल्व कर एक वेरिएबल के रूप में लाने वाले हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल्सो डिफ्रेंसिएशन एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन में सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रयोग किया जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक सिंपल फॉर्म में लिखना, एक छोटे फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं उसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने पहले ही बता दिया है कि आई मतलब इनवर्स, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ मतलब फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में, है ना, ताकि समय हमें आ रहा बचे, आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे। आई मतलब इनवर्स, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ मतलब फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म को में इसको लिखना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स छोटा फॉर्म, एकदम सिंपल रूप में आना चाहिए डाटा। इसको रिड्यूस कर देंगे ताकि सब चीज हट जाए और सिर्फ एक सिंपल वैल्यू आ जाए, एक सिंपल वेरिएबल आ जाए, तो उसी को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। चले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम लोग गिवन डाटा लिख लेंगे, टैन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स। लेकिन यहां गौर कीजिएगा, एक्स की वैल्यू क्या है वो दे दी गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंडीशन दिया रहेगा और आपको कोई भी फॉर्मूला कंडीशन के साथ ही याद करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ दिया गया है कंडीशन कि जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन एटी से 180 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, नहीं 180 है और नहीं माइनस 180 है, ठीक है, उसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स, आप जानते होंगे कि रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होती है, ठीक है। वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होती है। जिन्हें नहीं पता है वो लिख लीजिए कि वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और वन प्लस कॉस थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए टू से टू कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, नोट डाउन करें यहां तक। अब देखिए बच्चों, यहां पर टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला जिन्हें नहीं आता है वो लिख लीजिए ताकि आप इसको याद रखें और हमेशा इस्तेमाल करते रहें। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स रूट अंडर
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बचा है ना। ठीक है, अब गौर कीजिएगा टैन इनवर्स, ठीक है, अब टैन इनवर्स ये क्या बनेगा, टैन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्लास टेंथ में पढ़े होंगे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब गौर से देखिए टैन इनवर्स, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, इसको हम लोग सॉल्व करें। अब देखिए टैन इनवर्स आपको मैंने बताया होगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं मॉड एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाता है मॉड एक्स लिखा जाता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा मॉड टैन एक्स बाई टू, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स कौन लिया है टैन ने लिया है तो टैन एक्स बाई टू। ठीक है, अब गौर से देखिए यहां पर x की वैल्यू -180 से 180 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, x की वैल्यू अब यहां पर है क्या x बाई टू, इट मीन्स टैन इनवर्स टैन इसकी जो वैल्यू है इसमें जो x बाई टू है इसकी वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट करेगी, करेगी कि नहीं, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू -180 से 180 के बीच में, अब मुझे x बाई टू को लाना है तो x की वैल्यू जो थी x की वैल्यू वो ऐसे थी है ना -180 से 180 के बीच में, अब मुझे 2 से डिवाइड करना है क्योंकि मुझे x बाई टू के बारे में डिस्कस करना है, तो मैंने क्या किया यहां पर 2 से डिवाइड किया इधर भी और इधर भी, तीनों साइड टू से डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गया कि एक्स वाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। आप जानते हैं कि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा तब होता है जब एक्स की वैल्यू माइनस, आप जानते होंगे अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा की वैल्यू छोटी ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट। यहां पर थीटा का स्थान किसने लिया है एक्स बाई टू ने लिया, यहां पर थीटा का स्थान किसने लिया एक्स बाई टू ने, और एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। देखिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, और यहां पर थीटा कौन है एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू की वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब हम टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वन प्रॉब्लम है यहां पर मॉड लगा हुआ है ना। अब देखते हैं कि -90 से 0 तक, -90 से 0 तक हमारी जो वैल्यू होगी टैन थीटा की वो निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, 0 से 90 तक तो हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन -90 से 90 क्या होगा, तो -90 से 90 हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम जानते हैं कि -90 से 90 दैट मीन्स -90 से 0, तो -90 से 0 इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टैन थीटा क्या होता है निगेटिव होता है ना। अब गौर कीजिएगा इस बात को नोट डाउन करेंगे, आगे आगे नोट डाउन कर ले ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। तो चलिए हम लोग फाइनल कहां पहुंचे, हम लोग फाइनल पहुंचे हैं टैन इनवर्स मॉड टैन एक्स बाई टू मॉड, यहां पर x बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, आप जानते हैं कि मॉड जब आता है तो दो शर्त लेकर आता है ना, कि निगेटिव को वो पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को वो कुछ नहीं करता है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, यहां पर दो वैल्यू आने वाली है, एक वैल्यू टैन इनवर्स
मॉड जब हटता है तो प्लस माइनस आता है। आप जानते हैं कि जब भी मॉड को हटाया जाता है तो प्लस माइनस आता है। मॉड को जब भी आप हटाइएगा तो प्लस माइनस आएगा। अब देखिए, जब प्लस आएगा, बात करते हैं जब थीटा की वैल्यू जीरो से, थीटा यहां कौन है, एक्स बाई टू, यहां पर थीटा कौन है, एक्स बाई टू। अगर एक्स बाई टू की वैल्यू जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में एग्जिस्ट करे तब मॉड क्या होगा, मतलब टैन एक्स बाई टू मॉड इसको पॉजिटिव तब बनाएगा जब ये निगेटिव रहेगा। मॉड का कार्य क्या है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता, उसके साथ कोई वर्क नहीं करता है, पॉजिटिव के साथ मॉड कोई वर्क नहीं करता है। अब टैन एक्स बाई टू जीरो से, अगर एक्स बाई टू की वैल्यू जीरो से नब्बे डिग्री के बीच में हो, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मॉड यहां पर कोई कार्य नहीं करने वाला है, इसका मतलब मॉड का कोई खेला इस केस में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जब एक्स बाई टू दैट मीन्स थीटा, थीटा यहां क्या है, एक्स बाई टू, अगर एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में होगी, माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में होगी, इट मीन्स माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच का मतलब क्या, निगेटिव। हम लोग माइनस कब लगाते हैं, जब क्लॉकवाइज चलते हैं, है ना। अब देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए माइनस पाई बाई टू से हमको जीरो जाना है एंटी क्लॉकवाइज, अब माइनस पाई टू जीरो जा रहे हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसिडर किया जाता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो निगेटिव लेना होगा एंगल, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव लेना होगा। अब माइनस पाई बाई टू इट मीन्स क्लॉकवाइज चलना होगा, अब माइनस पाई बाई टू से जीरो एंटी क्लॉकवाइज, आप कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब इस केस में टैन एक्स बाई टू की वैल्यू, नीचे वाले केस में टैन एक्स बाई टू की वैल्यू निगेटिव आने वाली है ना। तो टैन इनवर्स, टैन मॉड हटेगा तो माइनस टैन एक्स बाई टू, ठीक है। अब गौर से देखिए, जब एक्स की वैल्यू एक्स बाई टू की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच में, इट मींस माइनस नाइनटी से नाइनटी के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हम टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस नाइनटी टू नाइनटी के बीच में ओपन ब्रैकेट में, तो यहां पर देख रहे हैं कि 90 से 0 से 90 के बीच में, इट मींस फॉलो कर रहा है टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा। लेकिन किस केस में, जब थीटा की वैल्यू यहां तक एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। अब टैन इनवर्स, अब गौर कीजिए, ये माइनस को अंदर हम लोग ले जा सकते हैं, है ना, तो टैन इनवर्स ये माइनस को अंदर ले जाया जा सकता है, तो क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स टैन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेता हूं, टैन इनवर्स टैन एक्स बाई टू, यहां हो जाएगा टैन इनवर्स टैन, ये माइनस अंदर जाएगा क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि टैन माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स, तो माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, कंडीशन वही, एक्स बाई टू की वैल्यू यहां से होना चाहिए, यहां पर एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा, ठीक ना। यहां पर अब देखिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, पॉज करके नोट डाउन कर ले। अब यहां पर देखिए आप, तो नहीं किए हैं नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, है ना, बता दूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर फाइनल हम कहां पहुंचे, टैन इनवर्स टैन थीटा, इफ थीटा बराबर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट में, देन टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा होता है,
तो फॉलो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक्स बाई टू टाइन इनवर्स टाइन थीटा, इफ थीटा माइनस 90 के बीच में देन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आप रिड्यूस करते हुए एक छोटे फॉर्मेट में पहुंचना, हम लोग देखेंगे एक छोटे फॉर्मेट में पहुंच गए। यहाँ पर दो डिस्कशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन आ गया, और मॉडुलस फंक्शन आता है तो निगेटिव पॉजिटिव के बारे में वो डिस्कस करता है। ठीक है, नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, हम लोग को इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स एक छोटे से रूप में लाना होगा, एक वेरिएबल के रूप में हमें लाना होगा, है ना, एकदम छोटे से फॉर्मेट में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। देख रहे हैं ना, कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर टैन इनवर्स है तो अंदर में भी टैन लाना होगा, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग वही किए हैं, बाहर में टैन इनवर्स था तो अंदर में भी किसी तरह हम लोग टैन के बारे में सोचे और टैन हमने लाया। उसी तरह अभी भी क्या है, टैन इनवर्स है तो अंदर में भी किसी तरह रिजॉल्व कर कर रिड्यूस कर कर बाय द यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 क्लास 10 सबके सबका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अंदर में क्या लाएंगे, टैन इनवर्स है तो अंदर में टैन लाएंगे, ठीक ना। बाहर में इनवर्स फंक्शन है तो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाएंगे, ठीक है। यही प्रोसेस आपको याद रखना है कि बाहर में जो है उसी को अंदर लाना है। टैन इनवर्स बाहर में तो अंदर में टैन थीटा आएगा, अगर बाहर में टैन है तो अंदर में टैन इनवर्स थीटा लाना होगा। तो चलिए, कॉस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना। वन को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ये वन को मैंने लिख दिया क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी वन। माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, है ना, ये फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। तो टैन इनवर्स कॉस ए, देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, अगर आप इस फॉर्मेट को देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। इट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो आप देखिए ये इसको कैंसिल कर रहा है ना, दो पार्ट इसमें दो था ना, तो एक कैंसिल कर दिया। अब जो डाटा बचेगा, अब नोट डाउन कर ले इसको सबसे पहले। तो चलिए बच्चों, जो डाटा बचेगा हमने इरेज कर दिया क्योंकि मेरे पास आगे बोर्ड है नहीं। तो देखिए टैन इनवर्स क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ओके।
अब चलिए हम लोग कुछ इसमें और करते हैं, है ना, क्योंकि हमें टैन लाना है। अब कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया मैंने, तो वन प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, यहां पर भी मैंने कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, तो वन माइनस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कट गया, तो टैन इनवर्स वन प्लस साइन बाई कॉस टैन, तो टैन एक्स बाई टू, वन माइनस साइन बाई कॉस टैन, तो टैन एक्स बाई टू, ठीक है। अब टैन इनवर्स वन को मैं क्या लिख सकता हूं, टैन पाई बाई फोर 45 डिग्री प्लस टैन एक्स बाई टू, वन को मैं क्या लिख सकता हूं, टैन पाई बाई फोर, वन को वन रहने दो, वन माइनस यहां पर क्या छिपा हुआ है, वन छिपा हुआ है, इसका मतलब टैन पाई बाई फोर इंटू टैन एक्स बाई टू, ठीक है। यहां पर क्या छिपा हुआ है, वन, वन को मैं लिख सकता हूं टैन पाई बाई फोर, तो टैन पाई बाई फोर, टैन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, वन इंटू टैन एक्स बाई टू, टैन एक्स बाई टू वही चीज है ना। अब देखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन ए प्लस टैन बी वन माइनस टैन ए टैन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन ए प्लस बी, है ना, या टैन एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं, टैन एक्स प्लस टैन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन एक्स इंटू टैन वाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन एक्स प्लस वाई, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, टैन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टैन एक्स, टैन एक्स प्लस टैन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन एक्स इंटू टैन वाई, ठीक है, नोट डाउन करें। चलिए बच्चों हमने रेज कर दिया ऊपर वाला पार्ट, है ना। अब देखिए टैन इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन एक्स प्लस वाई, टैन एक्स व्हाट इज एक्स पाई बाई फोर प्लस व्हाट इज वाई एक्स बाई टू, है ना, ठीक है। अब देखिए टैन इनवर्स टैन थीटा, लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू अगर माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगी तब हम टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा ले सकते हैं, कि मैंने लिखाया है कि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा तभी ले सकते हैं जब थीटा की वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगी ओपन ब्रैकेट में, है ना। अब देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू जो दी हुई थी वो माइनस 90 से 90 के बीच में दी हुई थी, आप गौर कीजिएगा यहां पर, कि यहां पर जो कंडीशन है आप जान रहे हैं कि जो यहां पर x की वैल्यू दी हुई थी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में दी हुई थी, गौर करिएगा, बहुत ध्यान देना जरूरी है यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ऑन कंडीशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही चीज है, फॉर्मूला विद कंडीशन याद आपको रखना है। अब देखिए मुझे टैन इनवर्स टैन थीटा, थीटा का स्थान पर कौन है, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, है ना, तब गौर से देखिएगा, अगर मैं एक्स बाई टू यहां कर दूं तो दोनों साइड डिवाइड करना होगा टू से, ठीक है, इसका मतलब टैन इनवर्स, इसी को सॉल्व कर लेता हूं, है ना, इसी कंडीशन को सॉल्व कर लेता हूं साइड में, देखिए माइनस पाई बाई फोर पाई बाई फोर, लेकिन मेरा वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू है, मैं क्या कर रहा हूं इसमें पाई बाई फोर जोड़ दे रहा हूं, तो हम दोनों साइड में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य एक साइड में नहीं करना है, दोनों साइड में करना है, है ना। अब गौर से देखिए ये कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर जीरो, ये बन जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर,
45 45 90 डिग्री पाई बाई टू है ना। अब देखिए हमारा जो थीटा की वैल्यू है जीरो से पाई के पाई बाई टू के बीच में है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू माइनस 90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर हम लोग थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो थीटा है यहां पर थीटा कौन है, ये बनेगा थीटा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू टैन इनवर्स टैन थीटा, ये हमारा थीटा बनेगा। और इसकी वैल्यू मैंने देखा कि जीरो से नब्बे के बीच में है, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। आपने यहां पर किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, चूंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहती है तब, और यहां पर थीटा कौन है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और उसकी वैल्यू मैंने यहां पर चेकआउट किया कि जीरो से नब्बे डिग्री के बीच में है। कैसे चेकआउट करना, एक्स की वैल्यू दी हुई थी है ना, अब मुझे चाहिए क्या एक्स बाई टू, मैंने टू से यहां डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करूंगा इधर भी डिवाइड करूंगा है ना। कोई भी कार एक साइड नहीं करना, दोनों साइड करना है ठीक है। यहाँ एक्स बाई टू चाहिए था, एक्स बाई टू मैंने ला लिया, फिर क्या चाहिए था पाई बाई फोर चाहिए प्लस में, तो प्लस पाई बाई फोर कर दिया, तो इधर भी किया इधर भी किया, तो इधर पाई बाई फोर करने से जीरो हो गया और इधर करने से 90 हो गया ठीक है। नोट डाउन कर ले। देखिए बच्चों आज का होमवर्क ये है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है, तो आप हमें कमेंट कर इसका आंसर सेंड कीजिए ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।